जमीनी झगड़े को लेकर बेटे ने किया बाप का कत्ल। आदाब, आप देख रहे हैं इंक्वायर रसूड़े और मैं हूं आपका मेजबान मोहम्मद जाफर। इंसानियत को शर्मसार कर देने वाला एक मामला सामने आया है जिसमें बेटे ने अपने बाप का कत्ल किया है और कत्ल भी जमीनी झगड़े को लेकर किया है। जब इस बेटे ने अपने बाप को घर पर अकेले पाया तो सबसे पहले हथौड़े से यानी हैमर से इसके सर पर वार किया और उसके बाद इसे काट कर सूटकेस में पैक करके फेंक दिया। ये सारा मामला गोरखपुर उत्तर प्रदेश का है जहां पर यह मामला सामने आया है और इस शख्स की उम्र 62 साल बताई जा रही है जिसका कत्ल किया गया है। पुलिस की मान के चले तो पुलिस का ये मानना है कि 30 साल का ये लड़का है जिसने अपने बाप का कत्ल किया है। सबसे पहले इसने हैमर से अपने बाप के सर पर वार किया और उसके बाद इसकी बॉडी के छोटे छोटे पीस करके सूटकेस में भरे और उसे डिस्पोज ऑफ कर दिया। ये पूरा मामला जो है सूरज कुंड कॉलोनी में पेश आया जो तिवारीपुर पुलिस स्टेशन के अंडर आता है और सैटरडे का ये सारा मामला है। इस हवाले से पुलिस ने एक केस भी रजिस्टर किया है जब इस शख्स के छोटे बेटे यानी प्रशांत गुप्ता ने अपने भाई के खिलाफ पुलिस स्टेशन में जाकर एक कंप्लेंट की और जिस शख्स की मौत हुई है इसकी पहचान जो है मुरलीधर गुप्ता के नाम पर हुई है जो इस एक्यूज्ड का बाप था जिसने अपने बाप का कत्ल किया। और जो एक्यूज था इसमें इसका नाम संतोष कुमार गुप्ता अलियास प्रिंस, इसे पुलिस ने गिरफ्तार भी कर लिया है। SPCT कृष्णा कुमार बिश्नोई का ये कहना है और साथ ही साथ आपको ये भी बता दें कि पुलिस का ये कहना है कि ये प्रॉपर्टी को लेकर ज़मीन को लेकर इनके बीच कुछ झगड़ा चल रहा था जब इस प्रशांत कुमार ने अपने बाप को मुरलीधर को घर पर अकेला पाया तो इसी दौरान इसने हैमर से इसके सर पर वार किया और उसके बाद अपने भाई के कमरे से एक सूटकेस निकालता है और उसके बाद इस बॉडी को यानी अपने बाप की बॉडी को छोटे छोटे पीस करके इस सूटकेस में पैक करता है और उसके बाद इसे सामने वाली ही गली में जाकर फेंक देता है। और अब पुलिस का ये मानना है कि इस हवाले से हमने एक केस जो है वो दर्ज कर दिया है, इस हवाले से तहकीकात भी की जा रही है, लेकिन सवालिया निशान ये यहाँ पर खड़ा होता है कि आखिर इस तरह हमारे समाज में हमारे माशरे में हो क्यों रहा, आखिर क्या वजह है, ऐसा कौन सा भूत इन लोगों के सर सवार हो जाता है जो ये इंसानियत को इंसानियत नहीं समझते, सामने वाले शख्स को इंसान नहीं समझते। इस तरह के कई वाक़यात अभी तक हमारे सामने आ चुके हैं जिसमें किसी ने किसी का मर्डर किया हो और उसके बाद उसकी बॉडी को कट करके डिस्पोज ऑफ कर दिया हो, लेकिन यहाँ पर तो ये पूरी तरह से इंसानियत शर्मसार कर देने वाला वाक़या सामने आया है क्योंकि बेटे ने अपने बाप का कत्ल किया, बेटे ने अपने बाप का जो है वो कत्ल किया, उसके छोटे छोटे पीस करके सूटकेस में भर के उसे डिस्पोज ऑफ कर दिया और झगड़ा भी एक ज़मीन को लेकर, चंद पैसों की खातिर, चंद ज़मीन के टुकड़ों की खातिर एक बेटे ने इतना घिनौना काम जो है वो अंजाम दिया। अब पुलिस इस हवाले से जो है वो लगातार तहकीकात कर रही है, उम्मीद करते हैं कि पुलिस इससे कड़ी से कड़ी सज़ा सुनाएगी ताकि आने वाले वक्त में इस तरह से कोई भी शख्स जो है वो जुर्म ना करे और कोई भी शख्स इस तरह का काम अंजाम देने से पहले जो है उसकी रूह कांप उठे। आपकी राय क्या है आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। तब तक के लिए आप बने रहिए इनक्वायर रसूड़े के साथ, मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।